वेलकम बैक दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग भली भांति समझ रहे हैं और अपने वेरिफिकेशन को चेक कर रहे हैं, नोटिफिकेशन को चेक कर रहे हैं, ईमेल को चेक कर रहे होंगे, वो मेल चेक कर रहे होंगे, इस वक्त काफ़ी लोगों के पास वेरिफिकेशन आ चुका है और अभी शायद ओपनली कोई नहीं बोल रहा है क्योंकि इसके लिए मना भी किया गया है कि शेयरिंग ना करी जाए, परंतु फिर भी आप सब लोग वेरिफिकेशन को ज़रूर चेक करते रहिए। आपके ईमेल पर आएगा और ओ मेल पर भी आएगा। मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि अगर आपका मेमोरी फुल है ईमेल की तो उसको कैसे क्लीन करना है, कैसे उसके बिन में जाकर के उसको जितनी भी आपने मेल डिलीट की हैं आप उसको भी देख लीजिएगा। काफ़ी लोगों ने इस पे एप्रिसिएशन भी व्यक्त किया था, फ़ोन कॉल्स भी किया था कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छा आपने बनाया है, तो इसका मैं आप सब लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू कहता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को आपने देखा और उसको समझा। कुछ भाई थंबनेल देखने के बावजूद भी नहीं समझ पाते कि इसके वीडियो के अंदर क्या होगा, क्योंकि उनकी सोच को कोई नहीं बदल सकता कि हर वीडियो कुछ कहती है, हर संदेश कुछ कहता है। और ऑन पैसिव के अंदर जितने भी लोग आज की डेट में अपना वेरिफिकेशन नोटिस को नोटिफिकेशन को चेक कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नीडी हैं और एक बहुत छोटा स्मॉल अमाउंट 100 लोगों के पास फर्स्ट वेरिफिकेशन आएगा। 1.4 मिलियन के सामने ये 100 बहुत ही छोटा सा है। किसके पास आएगा, इंडिया में आएगा या अदर्स कंट्रीज़ में आएगा? जैसा कि कहा जाता है 200+ कंट्रीज़ में ऑन पैसिव है और 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर्स हैं, किसके पास ये मैसेज जाएगा, कहाँ से पता चलेगा? तो बहुत छोटा अमाउंट है। जब 1,000, 2,000 और 10,000 या 1,00,000 लोगों के साथ ये वेरिफिकेशन चेक किए जाएंगे, वेरिफिकेशन किए जाएंगे, तब मैं समझता हूँ शायद हर दूसरे या तीसरे या 10वें आदमी के पास ये वेरिफिकेशन मैसेज ज़रूर जाएगा। आप वेरीफाई कीजिए, उसके बाद में आपके पास रेगुलर अमाउंट जब भी ऑन पैसिव से आएगी वो रेगुलर आनी शुरू हो जाएगी। मगर एक चीज़ समझने की ये बात है कि जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कर रही है, ये वेरिफिकेशन करने के बाद क्या पुनः वेरिफिकेशन होगा? जब ऑन पैसिव डायरेक्ट इसका पैसे का ट्रांसफ़र करेगी आप लोगों के वॉलेट में, तब भी वेरिफिकेशन करना होगा या इसी वेरिफिकेशन से काम चल जाएगा या बार बार वेरिफिकेशन करना होगा? कुछ चीज़ों को मैं पिछले वीडियो में ही बताया था कि बहुत चीज़ों को क्लियर करने की आवश्यकता है। सबसे पहला, कल जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि बोनस को लेकर के, बोनस मिलेगा या ट्रैफिक कमीशन मिलेगा, क्योंकि बोनस के लिए कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई क्राइटेरिया अभी तक निश्चित नहीं किया गया है। स्मॉल टीम को मिलेगा, बिग टीम को मिलेगा, या जिनके पास न्यूक्लियर है उनको मिलेगा, कितना मिलेगा, बस सब लोग इंतज़ार तो कर रहे हैं बोनस का। ट्रैफिक का, ट्रैफिक तो उन लोगों को मिलेगा, मुझे लगता है सभी लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने ओकनेट का सब्सक्रिप्शन बाय किया है। और जो ट्रैफिक आप लोगों को मिलेगा उसमें जो पेड कस्टमर्स होंगे या अनपेड होंगे, अगर पेड होते हैं तो उनका जो अमाउंट आपको दिखाई देगा वो विड्रॉवल अमाउंट होगा। और बहुत कुछ जो स्टार्टअप अब आप लोगों के लाइफ में आया है, क्योंकि हम सब लोगों ने एक स्टार्टअप तैयार किया ऑन पैसिव के रूप में और एक ऐसी कंपनी खड़ी करी जो ब्रह्मांड में इसके जैसी दूसरी नहीं है, और बहुत लोगों तक इस ऑन पैसिव को लेकर के सारे फाउंडिंग मेंबर्स लेकर के पहुँचे हैं। और ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स बनने से लेकर के और आज उस वेरिफिकेशन का इंतज़ार करने तक आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है। हाल ही में हमने दो लोगों को एकदम खो दिया,
डॉक्टर इद्रीस मोदी जी को, जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर, हमेशा मोटिवेट की बातें करते रहे और हमेशा ऑन पैसिव के लिए काम किया। वेबिनार में अगर वो आ जाते थे तो शुरू से लेकर अंत तक पूरे वेबिनार को अटेंड करते थे और जब भी किसी ने कोई गाइडेंस मांगी वो गाइडेंस को उन्होंने बहुत बाखूबी से दिया और लोग उनकी बात भी मानते थे। काश अभी और हमारा उनका साथ रहता तो ऑन पैसिव में विड्रॉल आने तक को वो देखते। बहुत से साथियों का सपना रह गया 2018 से लेकर अब तक। काफ़ी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स इस दुनिया को अलविदा कह गए। मेरी संवेदना उन सभी फाउंडिंग मेंबर्स के साथ में जो इस दुनिया में नहीं रहे मगर वो अपने साथ अपने पीछे एक ऑन पैसिव की आईडी छोड़ गए और अपने एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए। और ये आईडी उन लोगों के लिए गिफ्ट के रूप में होगी और ये आईडी ये खोने वाले सभी फाउंडिंग साथियों की याद दिलाती रहेगी। सदियों सदियों तक आप सब लोग याद रहोगे अपनी फैमिली के लिए। और जो फ्रंट लाइन में काम करने वाले लोग थे वो सभी फाउंडिंग मेंबर्स की को हमेशा हमेशा याद रहेंगे। जो बोल गए हैं YouTube के साथ, जो लिख गए हैं, वो हमेशा हम लोगों के सामने आता रहेगा। जब भी कभी आपको याद आए इद्रीस मोदी जी की आवाज़ सुनने को, मैं समझता हूँ कि नगमा तबस्सुम जी का जो नई दिशा कार्यक्रम है उसको सर्च करके आप लोग कभी भी सुन सकते हैं। कल से बहुत ज़्यादा एक भावुकता का पल रहा है और वो अभी तक कुछ भी वीडियो बनाने की भी इच्छा नहीं हो रही है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। एक याद बरबस सभी की आती रही जो साथी आज इस ऑन पैसिव को, इस दुनिया को छोड़ गए मगर उनकी काईडी हमेशा उनके नाम को तरोताज़ा रखेगी। ऐसा ही मैं आप सब लोगों से धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने भी इद्रीस मोदी जी के सम्मान में दो शब्द कहे, श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि भरी वीडियो और मैसेज मैंने सर्कुलेट किए। बहुत नम आँखों से पुनः उनको श्रद्धांजलि, उन सभी साथियों भाइयों को नम आँखों से श्रद्धांजलि जो अब हम लोगों के बीच में नहीं है। दोस्तों बात करते हो नोटिफिकेशन पे वापस आने की, आप ईमेल ओमेल चेक करते रहिए और एक दिन ऑन पैसिव आप सब लोगों के वॉलेट को फुल करने वाली है, आज नहीं तो कल। सब कुछ लाइनअप है, बस छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो रेक्टिफाई हो जाएंगी और बहुत स्मूथ हर प्रोडक्ट वर्क कर रहा है। अगर कोई आपको शिकवा शिकायत है तो वो भी दूर हो जाएंगी। कुछ भाई साथी मुझे एस सर का नंबर मांग रहे थे डायरेक्ट कॉल करने के लिए, कुछ परेशान हैं लोग, तो मैं आप सब लोगों से एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग और थोड़ा पेशेंस और धैर्य रखिए। सब कुछ यहाँ होने वाला है, विड्रॉल्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले। बोनस का क्राइटेरिया जो भी हो, फिलहाल बोनस सभी साथियों को मिलेगा और एफिलिएट जो टारगेटेड ट्रैफिक है वो भी मिलेगा, फ्री यूजर्स भी आप लोगों को मिलेंगे। धन्यवाद।